गुलबर्गा शहर के मशहूर मारूफ अलमिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 1 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर और 10 सितंबर को उमरा रवाना होने वाले तमाम आजमीन उमरा के लिए एक रोजा तरबियती कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। अलमिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोपराइटर जनाब मोहम्मद जावेद साहब ने कुछ महीने पहले ही इस ट्रैवल्स की शुरुआत की है और काफी कम वक्त में बेहतर सर्विस के जरिए अलमिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स का नाम आसमान छू रहा है। मौलाना मोहम्मद जावेद साहब के जरिए हर महीने लगातार 4 से 5 उमरा ग्रुप रवाना हो रहे हैं और इस तरबियती कैंप में गुलबर्गा शहर के मशहूर आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल राजिक साहब ने शिरकत कर तमाम आजमीन उमरा को उमरा जाने से लेकर वापस आने तक के तमाम जरूरी अहकाम सिखाए हैं। इस तरबियती कैंप में मौजूद सभी लोग ईद मिलादुल नबी के मौके पर मदीना में रहेंगे और इन सभी को अलमिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए 4 उमरा करवाने के अलावा कुल 50 से ज्यादा ज़ियारतें बिल्कुल फ्री कराई जाएंगी। मौलाना मोहम्मद जावेद साहब ने बताया, इनके जरिए उमरा सर्विस हासिल कर चुके लोगों ने अपने अच्छे तासुरात पेश कर खुशी जाहिर की है। अगर आप भी उमरा जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो अलमिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए उमरा रवाना हो सकते हैं। आपको बता दें, अलमिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स में 22 सितंबर के लिए भी उमरा पैकेज तैयार है। याद रहे, इस पैकेज में लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए अपनी सीट बुक करवाएं। 22 सितंबर के बाद अगले पैकेजेस अक्टूबर महीने के लिए तैयार किए गए हैं, जिसकी डिटेल आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें या फिर आप गुलबर्गा दरगाह रोड इनामदार पेट्रोल पंप के अपोजिट जागीरदार कॉम्प्लेक्स में मौजूद अलमिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस को विजिट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर डिटेल हासिल करें। अब हम मक्का शरीफ पहुंचे, एहराम आपका हो गया। एहराम होने के बाद कहां पहुंचे आप? मक्का शरीफ पहुंच गए। अब यहां से आपका दूसरा फेज, दूसरा तवाफ जो फर्ज है, अब आपको तवाफ करना है। जब आप बैतुल्ला शरीफ हरम के अंदर आए और जब बैतुल्ला पर नजर पड़े तो आप उस मौके से जो भी जायज दुआ करेंगे अल्लाह उसे कबूल फरमाता है। बैतुल्ला शरीफ पर जब पहले नजर पड़ती है, और आप जितने यहाँ पर शायद कोई पहले जा चुके हों और अक्सर ऐसे होंगे जो पहले बार जा रहे हैं, तो पहले बार पहली नजर जब पड़ती है बैतुल्ला पर तो उस वक्त हदीस है, जो भी दुआ की जाती अल्लाह तबरक व तआला कबूल फरमाता है। ये आप जहन में रखे रहिए, इसीलिए आपको पहले ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आप भरपूर फायदा उठाए, आखत कमाए। तो अगर किसी को तहारत महसूस हुई या वजू टूट गया, वजू टूट गया, अब कहाँ आना है? तहारत के लिए आना है। एक है वजू टूट गया तवाफ करते करते, और एक जरूरत महसूस ही उसके लिए आना है। तो अब आप जो 7 चक्कर करने हैं, अगर आप 2 चक्कर लगा चुके हैं, 3 लगा चुके हैं मिसाल के तौर पर, तो जहां से आपका वजू टूटा वहीं से आप वापस आ जाइए, क्या कीजिए, वजू कीजिए। या जहां से आप जाना चाहते किसी लिए तहारत के लिए, तो वहीं से आकर के आप क्या कीजिए, तहारत के लिए आ जाइए और जरूरत से फारिग होने के बाद वजू कर लीजिए। वजू कर लीजिए फिर दोबारा आ जाइए। जब दोबारा आ गए तो जहां से आपने छोड़ा था वहीं से आप कंटिन्यू आगे लाए रखिए। खवातीन नया कपड़ा पहनना, नया बुरखा पहनना, नया अहराम पहनना, ऐसा कुछ है? नहीं, बस ये है कि साफ सुथरा धुला हुआ हो, ये भी है तो इसमें भी एहराम होता, नया हो तो बेहतर है, और नया अगर ना हो तो भी कोई हर्ज नहीं है, सवाब में कोई कमी बेशी नहीं है। आप पुराने कपड़े में भी, बुरका में भी एहराम में आ सकते हैं, नए में भी आ सकते हैं, बस धुला होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। कि मर्दगी के नाम से उमरा कर सकते हैं और जिद्दों के नाम से भी उमरा कर सकते हैं। अब आप वहाँ जाने के बाद जितने भी उमरा हो, आप जितने भी करना चाहें तो कर ले सकते हैं। अब यहाँ कभी आप चाहते हैं कि अपने वालिद साहब की तरफ से, वालदा की तरफ से, और जो भी है कि उनकी तरफ से करके उन्हें सवाब पहुँचाना, तो बिल्कुल आप जिंदा हो या मरो, वालिद साहब जिंदा है, वालदा, तो आप उनकी तरफ से भी नियत करके उमरा कर सकते हैं, या उनका इंतकाल हो चुका हो तो भी वहाँ भी नियत करके आप उनकी तरफ से उमरा कर सकते हैं। सारे सवाब के लिए, मरहूमीन के लिए, जिंदों के लिए ये सवाब पहुंचाने का तरीका जायज है और इस तरह से उमरा
करना जायज है। अहराम की दो जोड़ी सेट आप अपने साथ रखने की कोशिश करें, कितने रखेंगे? दो जोड़ी, ताकि एक अहराम जब आपका मैला हो जाएगा तो फिर दूसरा उमरा करने के लिए, क्योंकि हम एक दिन बाद उमरा कराते हैं, तो फिर आपको अहराम का इंतजार करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि लॉन्ड्री का ये सिस्टम होता है कि लॉन्ड्री से जब आज कपड़ा जाता है तो कल छोड़ के परसों कपड़े आते हैं आपके। और याद रखिए, मक्के और मदीने में जो 15 दिन के पैकेज में, उनको दो मरतबा मक्के में लॉन्ड्री मिलेगी, दो मरतबा मदीने पाक में मिलेगी, जो अनलिमिटेड कपड़े रहेंगे। कितने भी आप कपड़े देना है दे सकते हैं, इसको आप खास तौर पे जहन में रख ले। मैं आपको अहराम का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप अहराम घर से ही, आप अहराम की तैयारी इस तरह से कर ले कि अगर आपका अहराम नया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पुराना है, जैसे कि बहुत से लोग अपने अब्बा का, अपने बड़े भाई का, अपने बुजुर्गों का भी अहराम इस्तेमाल करते हैं। इसमें अहराम नया लेना ही जरूरी नहीं है, अगर आपके पास पुराना भी अहराम है, साफ सुथरा है, अच्छा है, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अहराम जब आप ले लें, तैयारी जब आप करने लगेंगे, तो आप अहराम पर पहले अतर लगा लें। अहराम पर अतर लगाना ये हुजूर सल्लल्लाहु हजरत आयशा सिद्दीका रदिल्लाहु तआला की सुन्नत मुबारका है कि मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम के अहराम पर आप अतर लगाती थी। तो अतर ऐसा लगाइए जो बगैर कलर वाला हो और ज्यादा हार्ड खुशबू वाला ना हो, जिससे दूसरों को भी तकलीफ ना हो। तो बिल्कुल नॉर्मल और सादे कलर का अतर आप अहराम पे अपनी अहलिया से लगवा ले, एक सुन्नत अदा हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको अपना अहराम लेना है, साथ में रखना है। अब बहुत से लोग जैसे कि सवालात करते हैं कि अहराम क्या हमें घर से पहनना है क्या हैदराबाद एयरपोर्ट पे पहनना है, तो मैं आपको बताऊं कि घर से आपको सुन्नत के मुताबिक गुसल करके निकलना है। घर से ही आपको, क्योंकि एयरपोर्ट पर सिर्फ वजू का अहतमाम है, वहां पर गुसल का अहतमाम नहीं है, तो आप घर ही से गुसल सुन्नत के मुताबिक करके सुरमा लगा ले, अच्छी तरह से सुरमा लगा ले और घर ही से गुसल करके निकले। एयरपोर्ट पे जब हम पहुंचेंगे, हम सबसे पहले वहां पे बोर्डिंग वगैरह सब होने के बाद, इमिग्रेशन होने के बाद आखिरी मरहला जो होता है हमारा अहराम पहनना होता है, वो हम आपको इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे रहनुमाई फरमाएंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, खैंची है, सोई है, टाचपिन है, कुछ भी है, आप हर चीज लगेज में आपको रखना, ये वाले बैग में जिसमें आपका सामान होता हो, उसमें आपको खैंची है, टाचपिन है, पिन है, ये सब इसमें रखना है। बहुत सी खवातीन क्या करते रहे, हम उम्रे पे वहाँ जाने के बाद सीधा उम्रे पे जाते, तो चलो खैंची इसी में रख लेंगे बोल के खैंची इसमें रखते हैं, मगर आपकी खैंची आगे नहीं जाएगी। बहुत से लोग हैंड कैरी वाले बैग में क्या करते हैं, टिक्सो टेप होता है, टेप होता ना, अरे वहाँ महंगा मिलता है और सब लोग यहीं से लेते, लेना भी चाहिए, बहुत अच्छा है वाकई में, वहाँ पर बहुत महंगा मिलता है। तो टिक्सो टेप है और रैपिंग का टेप आता है, रैपिंग का जो आता ना, ये आता रोल आता, वो भी जो है ना अक्सर लोग इसमें रख लेते हैं, तो वो आपको इमिग्रेशन चेकिंग इस पे, सिक्योरिटी चेक पे आगे जाने ही नहीं देता, वो सब निकाल के फेंक देगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, तमाम तर चीजें आपको लगेज में रखना है, समझ गए आप लोग। अब इसके अलावा एक और चीज, जो बीपी शुगर और जिनको डेली 3 टाइम टैबलेट्स खाना होता है, जिनका कुछ कोर्स चल रहा है, जिनकी कोई बीमारी चल रही है, अल्लाह ऐसा तो सबको शिफा अता फरमाए, मगर वो लोग क्या करें, अपने कुछ टैबलेट्स अपने हैंड कैरी वाले बैग में भी रख लें। जैसे कि हम 15 दिन के सफर पे जा रहे हैं, तो उन्होंने 1 महीने की गोलियां अपने साथ में रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये सेम कंटेंट्स के टैबलेट्स फिर आपको वहां नहीं मिलते, इसलिए थोड़े ज्यादा ले लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज 28 अगस्त बरोज़े चाशुंबा मैजिस्टिक फंक्शन हॉल में अल मिसबार टूर्स एंड ट्रेवल्स का एक रोजा अजीमुशान तरबेती कैंप मुनक़िद हुआ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज्यादा ज़ायरीन हरमैन तैयबा ने इस तरबेती कैंप में शिरकत फरमाकर अपने इल्म और अमल में इजाफा फरमाया। 1 सितंबर और 3 सितंबर, 4 सितंबर और 10 सितंबर को जो हमारे डिलेक्स माह रबी नूर के जो पैकेजेस है, उसमें सफर करने वाले ज़ायरीन हरमैन तैयबा ने आज के तरबेती कैंप में शिरकत फरमाकर अपने इल्म और अमल में इजाफा फरमाया। और आज के इस तरबेती कैंप में शहर गुलबर्गा के मशहूर और मारूफ आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल राजिक साहब क़िबला ने शिरकत फरमाकर ज़ायरीन हरमैन तैयबा की रहनुमाई और उनके इल्म में इजाफा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर महीना अल मिसबार टूर्स एंड ट्रेवल्स के 4 से 5 ग्रुप्स जो है ना शहर गुलबर्गा से रवाना हो रहे हैं, और हमारे साथ सफर करने वाले हाजी साहेबान अल्हम्दुलिल्लाह काफी खुश भी है, और उनके बहुत से अच्छे फीडबैक्स भी हैं जो आप तक इन चैनलों के जरिए से इंशाल्लाह फीडबैक्स भी इंशाल्लाह आजकल में मिलते रहेंगे। इसी तरह हमारा माह सितंबर में एक और ग्रुप है जो
22 सितंबर को इंशाल्लाह हमारा डिलक्स पैकेज यहां से रवाना होने वाला है। इस ग्रुप में जो हजरात भी जाना चाहते हैं इस पैकेज में, जिसकी बहुत ही कम सीट्स बची हुई है, जल्द से जल्द बुकिंग करवा लें। और इंशाल्लाह अक्टूबर के भी पैकेजेस बहुत जल्दी इन चैनलों के जरिए से आप तक पहुंचाए जाएंगे। जो हजरात अल मिसबाह टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ सफर करना चाहते हैं, वो जरूर व जरूर हमारी ऑफिस को विजिट करें। हमारा एड्रेस है अल मिसबाह टूर्स एंड ट्रेवल्स, अपोजिट इनामदार पेट्रोल पंप, जागीरदार कॉम्प्लेक्स, दरगाह रोड, गुलबर्गा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे माहे रबी नूर के डिलक्स पैकेज में सफर करने वाले हाजी साहेबान को हम 4 उम्रे कराने वाले, जैसा कि हमारी खसूसियात में से है। और इसके अलावा मदीने मुनव्वरा की इस बार हम स्पेशल खसूसी 50 ज्यारतों का एहतमाम किया गया है, जो अक्सर टूर वाले नहीं कराते और हम भी अब तक नहीं कराए हैं। मगर माहे रबी नूर से इंशाल्लाह हमारे हर पैकेजेस में 50 खुसूसी ज्यारतें कराने का अल मिसबाह टूर्स एंड ट्रैवल्स ने अज्म किया है और इंशाल्लाह आगे भी कराते रहेगा। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है, माहे सितंबर की 22 सितंबर के पैकेज में और अक्टूबर के पैकेजेस में जो भी सफर करना चाहते हैं वो हमारी ऑफिस को विजिट करें। हमारा मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9945482620, और इसके अलावा और भी नंबर आते हैं, आप उस पर भी रابطہ करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।